गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ बहुत ही मस्त जगह, साइबर हब सिटी। और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ आ रहा है। मैं आपको बताऊँगी हम कैसे कैसे जा रहे हैं। तो मैंने ले ली मेट्रो टिकट और ये ले गए 60 रुपीज़। तो अभी मैं हूँ पिंक लाइन में, मुझे उतरना है दिल्ली हार्ट में और मेरा दोस्त भी मुझे वहीं मिलेगा दिल्ली हार्ट में। और हमारी टिकट हुई है 60 रुपीज़ और मेट्रो भी आएगी। तो मेट्रो आ चुकी है हमारी और साइबर हब सिटी कहाँ पर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी चलते हैं। फिर हमारा विशेष नेथानी दर है और मेट्रो भी आ गई। वाह यार, अब हम येलो लाइन से फिर हमें रैपिड वाली पकड़नी है ना। वैसे साइबर हब सिटी बस भी जाती है बट हम मेट्रो से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। हम पहुँच चुके हैं सिकंदरपुर और अब पकड़नी है रैपिड मेट्रो। तो पहली बार बैठूंगी रैपिड मेट्रो में, छोटी सी होती है। हाँ भी, हाँ हम दोनों पहली बार बैठी हैं। कोमल और तो जा चुकी, उस टाइम पे मैं नहीं गई थी और आज मैं जा रही हूँ बट वो लोग नहीं है। वो बात नहीं, वैसे भी वो कहीं और जानता उनको। तो अभी हम उतरे सिकंदरपुर में और सिकंदरपुर से हमें रैपिड मेट्रो से जाना पड़ेगा क्योंकि ये रैपिड मेट्रो हमें डायरेक्ट साइबर सिटी पहुँचाती है। मुझे नहीं पता ये होती है रैपिड मेट्रो गाइस, कितनी छोटी है ना। तो ये है मेट्रो रूट और हमें अभी सिकंदरपुर से जाना है साइबर सिटी। तो दो स्टेशन बीच में आएंगे। बाकी गाइस जो बाहर का व्यू दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर है और यहाँ की सड़कें और बिल्डिंग्स बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मतलब यहाँ की रोड भी बहुत साफ़ सुथरी लग रही हैं। रास्ते में इतनी सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ हमें दिखी और वो इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब बाहर से अलग ही वाइब आ रही थी। देख सकते हैं आप बाहर का जो व्यू है। तो मेट्रो से निकलने के बाद आपको थोड़ा बहुत आगे चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आगे चलना पड़ेगा। जैसे ही आप मेट्रो के बाहर निकलोगे आपको साइबर हब सिटी दिखेगा। ये देखो आ गए हैं हम साइबर हब सिटी। और गाइज एंट्री बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगती, बस आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी बस। पर पार्किंग इस साइड पर पूरी पार्किंग है। इस फाइनली मैं तो 1 घंटे बाद यहाँ पर पहुँची और ये 2 घंटा इतनी दूर से आया ना, और भाई बहुत आने का। यहाँ पर मेनली सारे ऑफिसेज हैं क्योंकि दिखने में पूरा अच्छा है यहाँ पर इलाका, पर ऑफिस वाला इलाका है ज़्यादा। थोड़े हाई फाई लोग आ रहे हैं यहाँ से और हम हाई फाई, हम नहीं हाई फाई। गाइज ये देखो भाई क्या जगह है, बहुत ही सुंदर है और ये इंडिया में है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस जगह में आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, बहुत सुंदर है, वर्थ है यहाँ पर आने का। तो बेसिकली साइबर हब सिटी बहुत ही फेमस है यहाँ पर खाने के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर इंडियन, फॉरेन रेस्टोरेंट, कैफेज वगैरह सब हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक्सपेंसिव से लेकर अफोर्डेबल कैफ़े भी हैं। यहाँ पर कल्चरल शो, मूवी शूट्स और मीडिया लॉन्चेस भी होते हैं। गाइस हम दोनों को ऐसा लग रहा है ये भूल भुलैया है क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सारी बिल्डिंग थोड़ी सेम टू सेम भी लग रही है। काफी सेम से है, वो जो आईएफजी वाला था ना, वो इंटरनेशनल होटल ग्रुप था, वो क्राउन प्लाजा। हां यहां पे इंटरनेशनल कंपनीज है और अलग अलग कंपनीज है यहाँ पर बहुत सारी। हाँ तभी तो यहाँ पर हाई फाई लोग जाते हैं इधर से रास्ते से, और हम वीडियो बना रहे तो हमें भी घूर रहे हो, क्या छपड़ी लोग आ रहे हैं। हाँ तो आ रहे तो हम भी फिर हुए ना मीट काइंड ऑफ। अच्छा वो हमें सोच रहे हैं, रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में नहीं पता उनको। जैसे चौड़ में चल रहा है जैसे कि पता कितना अमीर होगा। चौड़ में चलने में क्या है, अगर तुम हो भी गरीब तो चौड़ में चलो ना। तो गाइस यहाँ देख के आते हैं यहाँ पर क्या है। वैसे दिखने में तो अच्छा लग रहा है, कुछ स्क्रीन सी है। तो ये है सिटिंग एरिया और इसे बहुत ही स्मार्ट माइंड से बनाया है क्योंकि यहाँ पर पेड़ लगा रखे हैं जिससे धूप ना लगे। तो यहाँ पर होते होंगे मीडिया लॉन्च, कॉन्सर्ट वगैरह होते होंगे। और यहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है, विशेष कॉन्सर्ट। गाड़ी तो अच्छी लग रही है वैसे, अगर गाड़ी पे फोकस कर रहे थे। छोड़ो ये सारे, वो देखो वो ओप्पो वाला है। ये कौन सी है, ये एक है आईएजी का, आईएजी इंडियन आईजीआर इंडियन होटल ग्राउंड समथिंग करके कुछ होता है।
इंटरनेशनल होटल, यानी IHG ब्रांड है कोई, क्राउन प्लाजा का भी है। लुंगी लुंगी यहाँ पर देखे, मैंने वाला की स्टाइल है, सबका अलग 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 ही है। तो अब चलते हैं डीकैथलॉन। कुछ ना हुआ तो ये उठा के ये कर लो, करो दोबारा करो। तोड़ोगी तोड़ोगी टूट गया, थोड़ा थोड़ा नहीं 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 कर रहा। क्या करना, क्या है? गोल घुमाना है, गोल गोल कमर को हिलाना है, बॉडी को ऐसे? हाँ हाँ, क्या बे करना नहीं आता क्या? नहीं अच्छा बड़ा है तो कुछ हमें कुछ कलाबाजी करके दिखा रहा है। ओ भाई अच्छा अच्छा नाइस यार, इतना टैलेंट कहाँ से आता है बंदे का? ये मैं बचपन से था, मेरे अंदर बचपन से था, फिर खत्म हो गया। हाँ, जॉब लग गई मेरी, बस जॉब लग गई, अब जॉब में खत्म हो गया, बड़ा आदमी हो गया, बड़ा आदमी बन गया। चला 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 मैं चला एक बार, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, लो पकड़ना, पीछे से आऊंगी, मुझे मोड़ना नहीं आता। स्कूटी चलाएगी और अरे बच्चे ठोकी 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 मारूं किसी के, पता है गलती तो ये हो गया ना। चलते हम ऊपर की तरफ और ऊपर देख के आते हैं, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर भी सारे रेस्टोरेंट ही हैं। ढाबा तो यहाँ पर एक ढाबा, मुझे कुछ दिखा रहा था, पता नहीं क्या दिखा रहा है, क्या दिखा? Kia EV6। अच्छा गाड़ी, मेरे को लगा पता नहीं क्या। Kia EV6 इन द सेल्टोस एक्स लाइन, कितने की होती है? कितनी महंगी है EV6 तो 45 लाख की, और मेरे हिसाब से तो शायद 45 लाख की, जितना मैंने पहले देखा था। ओह ले लेना बड़े होके, ले सकते हो ना बड़े होके तो, जल्दी जल्दी दिसंबर में। मैं कह रही हूँ ना ये बहुत अमीर बननी कुछ कर रहे हैं। चल दो बोतल लूंगा, मैं लूंगा। इसकी मम्मी देखेगी ब्लॉग, बोलेगी कुछ ज्यादा अमीर बननी। हाँ मम्मी बोलेगी ज्यादा बनने की कोशिश। वेटिंग वेटिंग फॉर दिसंबर। दिसंबर अच्छा, कौन सी गाड़ी देखो दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो गाइज हम यहाँ पर ऊपर आए हैं और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाकर। वीडियो बनाई थी तो बेचारा विशेष ने इतनी मेहनत करी मेरे साथ, काम करते ना पेट पूजा करते, फिर उसके बाद करेंगे। इसने इतनी मेहनत करी बेचारे, पसीने आ रहे, पेट पूजा कहाँ गया मैं इसके साथ। तो गाइज़ ये मशीन है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है और हम यहाँ ट्राई करने आए हैं। तो हमें ना क्या करना है, एक जो जो कोल्ड ड्रिंक लेनी है वो सिलेक्ट करना है और फिर वो अपने आप नीचे गिर के यहाँ पर गिर जाएगा। देखो नीचे आ गया, दो चीज़ें हमने यहाँ पर किए, पानी की बोतल, एक कोल्ड ड्रिंक। ठंडा नहीं लग रहा ये? कोई नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं है, ठीक।
तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और ये भी साइबर हब सिटी में ही है अंदर की तरफ, और यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर सारे अफोर्डेबल प्राइस में आपको खाने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ की KFC, पिज़्ज़ा हट सब है। ठीक है, अभी हम लोग टॉयलेट गए थे तो वहाँ पर ना पानी नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसे लगा रही थी हाथ, मुझे लगा कि अभी खुद अपने आप पानी आएगा, फिर मैंने उसको टैब को दबाया, अभी मुझे लगा कि अब पानी आएगा, तभी पानी आया, नीचे वो प्रेस करने को था पैर से और तब पानी आएगा, तब जाके मतलब बेइज्जती हो गई इसके भी। पूरा साइबर हब घूम लिया है और मतलब ऑलमोस्ट क्या घूम ही लिया है, और ये जो पीछे है ना बाकी सारी कंपनीज हैं, तो उधर तो हम घूमने जाएंगे, फालतू में बेकार है, और वहाँ जाने को है भी नहीं उस साइड पे। तो पूरा साइबर हब सिटी हमने घूम लिया, अब जा रहे हैं हम घर, और अभी मेट्रो का पहले रैपिड मेट्रो से जाएंगे, फिर मैं जाऊँगी येलो लाइन पे, फिर येलो लाइन से सीधा मैं जाऊँगी पिंक लाइन में, फिर मैं घर पहुँचूँगी। एक घंटा, एक और आधा घंटा लगेगा घर पहुँचने में, और इसको दो घंटे, ऑलमोस्ट दो घंटे, दो घंटे। गाइस ये ना हम सोच रहे थे हम एक ही मेट्रो में क्यों जा रहे हैं, हम पर ये घूम के जाती है क्या सिकंदरपुर, घूम के जाएगी। पहुंच चुके हूँ घर, और विशेष भी अपने घर जा चुका है, और बहुत ही सही जगह थी, आप लोगों को ज़रूर विजिट करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। वहाँ पर खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर सिटिंग एरिया भी आपको मिलेगा। और ये था गुड़गांव में, मैं आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देती हूँ, आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करो, तो ज़रूर जाइए अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर करना। तो यार इस ब्लॉग को करती हूँ मैं एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपको सबको पता ही क्या करना क्या है, लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।